तो अब आपको एक एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ है, डंपर कहां पर था और किस स्पीड से यहां पर ट्रेन जा रही थी। 12225 नंबर की ट्रेन आजमगढ़ से दिल्ली की ओर रवाना हुई, रास्ते में पहुंची थी औरैया के पास और वहां पर डंपर सामने आया और यह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो बड़ा रेल हादसा हुआ, लगभग 75 लोग घायल हो गए। 12225 हादसे का शिकार हो गई ये ट्रेन, आजमगढ़ से दिल्ली आ रही थी ये ट्रेन और इंजन समेत 10 डिब्बे पटरी से उतर गए, तो घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। और इधर न्यूज वर्ल्ड इंडिया तमाम सवाल पूछ रहा है, भारत सरकार से पूछ रहा है, इंडियन रेलवे से पूछ रहा है, यूपी में एक हफ्ते में दूसरा ट्रेन हादसा कैसे हो गया, क्यों नहीं सुध ली गई, क्यों नहीं हादसे से सीखा गया, आखिर ट्रैक की चेकिंग क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल। दूसरा, इस बार भी ट्रैक पर काम चल रहा था और कर्मचारी नदारद थे, गायब थे, ये एक बड़ा सवाल कि क्यों ऐसा हुआ, बार बार एक ही जैसी लापरवाही क्यों हो रही है, क्या अधिकारियों पर कार्रवाई करने से यह हादसे रुक जाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है कि कार्रवाई आप कर देते हैं क्या इससे हादसे रुकेंगे, क्या रेलवे में लापरवाही रग रग में समा गई है। तो यह बड़ा सवाल, इन सवालों का जवाब न्यूज वर्ल्ड इंडिया आपसे चाहता है, सरकार से चाहता है।